हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ होममेड बटर पेपर, जो हम केक के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे भी बिना बटर पेपर में भी केक बन सकता है, लेकिन हम बटर पेपर इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो केक बेक करते हैं अब उसके नीचे वो चिपकता नहीं है, इसीलिए हमको बटर पेपर की ज़रूरत होती है। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी कोशिश और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर ज़रूर करें। बटर पेपर बनाने के लिए मैंने यहाँ दो टाइप का पेपर लिया है, देखिए, एक प्लेन पेपर लिया है और एक रोलिंग पेपर लिया है। ये सारा पेपर आपके घर में तो मौजूद हो सकता है और ये दोनों पेपर से हम बटर पेपर बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पेपर को इस तरह से रखा है और इसमें मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है। मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है और ऑयल को हम अच्छी तरह से ऊपर नीचे तक करके इस तरह से लगा लेंगे। और मैंने यहाँ दो पेपर एक साथ लिया है और ऊपर वाला पेपर में जो ऑयल लगाएंगे वो नीचे से वो चिपक जाएगा, तो उसको हम लगाने के बाद 15 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ दें। अब हम दूसरी पेपर में ऑयल लगाएंगे, इसको भी हम ऊपर से नीचे तक इस तरह से अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे। और मैंने यहाँ भी दो पेपर लिया है, उसके नीचे भी एक पेपर लिया है। आपके ये दो पेपर एक साथ दो पेपर हो जाएगा। और ये अब हम लगाने के बाद उसको भी 15 मिनट के लिए हम इस तरह से छोड़ दें ताकि हमारा जो ऑयल है अच्छी तरह से सक हो जाए। देखिए, हमारा जो पेपर है अच्छी तरह से ऑयल चारों तरफ से हो गया है, दो पेपर भी हो गया है। और मैं यहाँ एक केक टिन को जरिए से कट करके आपको दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ केक टिन लिया है और केक टिन को उसके ऊपर रख लिया है और पेन के जरिए से मैंने उसका शेप में, मतलब उसका चारों तरफ से इस तरह से पेन में हम उसका पेन में उसका रख के उसमें कट कर लेंगे। देखिए, हमने मैंने आपका जो भी साइज़ का केक टिन है आप वहाँ रख के इस टाइप का कट कर सकते हो। दूसरी वाले पेपर में भी हम इस तरह से केक टिन को रख के भी इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए, मैंने उसके अंदर रख ली हूँ, ऊपर एकदम सेट हो रही है। अगर आप चाहे तो बटर लगा के भी बटर पेपर बना सकते हो। अगर बटर लगाना चाहते हो तो बटर को आप अच्छी तरह से तेल में डुबा के रख दो और उसके बाद आप उसमें पेपर के ऊपर लगा लें तो आपका बटर पेपर भी रेडी हो जाएगा। मैं आपको केक बना के दिखा रही हूँ। मैं केक टिन लिया है और जो बटर पेपर बनाई थी बटर पेपर को उसके अंदर रख रही हूँ और थोड़ा सा ऑयल भी लगा रही हूँ। और जो केक के बैटर है हम केक के बैटर को यहाँ डाल देते हैं और बेक करने के बाद देखिए हमारा जो केक है वो चिपकता नहीं, अच्छी तरह से बन जाएगा। और मैंने केक को भी बेक कर लिया है। देखिए, जो बटर पेपर है मैं हटा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, हमारा जो केक है अच्छी तरह से भी बन गया है, परफेक्ट भी बन गया है। आप इसका अपने घर में जरूर ट्राई करें। फॉर वॉचिंग।